स्थिति ये थी कि कश्मीर के 100 काल पार्टीशन जो हमारे बड़े नेता लोग हैं इनका बेड़ा कर गए। क्यों नहीं अपने एजेंडे में लिखते हमें 375 को, क्यों नहीं कहते आप लोग हमें 375 को, हमें 375 को। अब उत्तराखंड बार बार क्यों बर्बाद हुआ, कोई झूठ के साथ था, वो 375 भी नहीं था। बड़े बड़े लीडरों के कहते हैं कि 370 में बात नहीं करते, नहीं करो 375 में बीमारी है क्या? आज जो स्टेट टूटी है फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो कश्मीर के हमारे पॉलिटिशियनों की कृपा से टूटी है, वो गुस्सा करें ना गिला करें, और कुछ ये जो हमारे दिल्ली के पॉलिटिशियन है दो चार, इनकी वजह स्टेट टूटी है। इंडस्ट्री को कह दिया जो पहली बार इंडस्ट्री खरीदेगा बनाएगा लगाएगा देश का आदमी, उसको 50% जमीन में सब्सिडी है। अगर वो 800 करोड़ जमीन लेता है, 400 करोड़ अगर 400 करोड़ की है तो उसको फ्री है। जो 370 मिला तो गुजरात और महाराष्ट्र का, मेरा मराठवाड़ा, मेरा विदर्भ, मेरा सौराष्ट्र, मेरा कच्छ, मुझे अलग मुझे भी चाहिए, उनको 370 मिली। अगर हम लोगों ने यहाँ जमुगरा के डोगरों ने, ये डोगरा वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग डोगरा है, ये कंफ्यूजन भी खत्म है। ये कंफ्यूजन जम्मू में पूरा डाला गया कि भद्र भाई को कहा तू तो डोगरा थोड़ी है, पुंछी को कहा तू डोगरा नहीं है। आज जो स्टेट टूटी है फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो कश्मीर के हमारे पॉलिटिशियनों की कृपा से टूटी है, वो गुस्सा करें ना गिला करें, और कुछ ये जो हमारे दिल्ली के पॉलिटिशियन है दो चार, इनकी वजह स्टेट टूटी है, क्योंकि ये स्टेट नहीं टूट सकती थी, इसकी ताकत नहीं थी। टेम्परेरी छोड़ो, अब उत्तराखंड बार बार क्यों बर्बाद हुआ, कोई झूठ के साथ था, वो 375 भी नहीं था। अगर वो पहले अलग स्टेट बनी होती वो 375 में तो लिख के लेना नहीं था, वो नहीं था तो उसकी तमाम पहाड़ों पे बड़े बड़े लालू ने जो आज हमारी वैष्णो देवी, आज हमारी जगहों जगहों पे जिन्होंने प्लान कर लिया कि हम कहाँ बैठेंगे, किस जगह बैठेंगे, जमीन उन्होंने बैंक बना लिया, इनके बाप ने जमीन है, इन्होंने कह दिया हमने लैंड बैंक बना लिया, किसकी जमीन का, हमारी जमीन का, हमारे बुजुर्गों की जमीन का, हमारे लोगों की जमीन का, बैंक बन गया, हमने एक बैंक बना लिया है, हमने उसे सामने बना लिया। ये बैंक जो है वहां से डिसाइड होगा कि मनी साहब आपको ताज वाले को, उसको दूसरे होटल वाले को कहाँ जगह चाहिए, उसके मुझे पत्नी टाल में जगह चाहिए, ये इस बैंक में ये जगह पर देना इतनी है, हाँ इतने घर है, आप और भी चॉइस है इनको भी हटा लेंगे, ये होना है। कठुआ में सारा भागथली खत्म हो गया, कठुआ में सारा गांव है, जमीन पूरा दरिया का खत्म कर दिया, टोटल जमीन पर चेंज हो चुकी। और सेकंड नंबर आपका मेरठा खत्म हो गया, आपका विकास खत्म हो गया, आपका परिवार खत्म हो गया, आप भी इस तरीके से स्पीड से शासन, इतनी स्पीड है समय, इतनी स्पीड ऑफ यू कॉन्ट मेजर। जमीन इंडस्ट्री को कह दिया जो पहली बार इंडस्ट्री खरीदेगा बनाएगा लगाएगा देश का आदमी, उसको 50% जमीन में सब्सिडी है। अगर वो 800 करोड़ जमीन लेता है, 400 करोड़ अगर 400 करोड़ की है तो उसको फ्री है। तो हमारे वाले लोगों की सरकारी जमीन बोल के 4 करोड़ जमीन छीनी जा रही, 2 करोड़ जमीन किसान से छीनी जा रही, जो पोजीशन हमारे लोगों की बनी हुई है। लोग समझ रहे हैं, यू डोंट नो, ये मत सोचे कि लोग नहीं समझ। हमारी लड़ाई लोगों के बीच ही लड़ी जा सकती है, लोगों के साथ लड़ी जा सकती है, लोगों को लेके लड़ी जा सकती है, और कोई काम नहीं आप कुछ कर सकते हो जितना मर्जी कह लो, ये मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, एक तो 370 पे उन्होंने केस लगाया, सारे उठ के कह देते हैं, बड़े बड़े लीडर उठ के कहते हैं कि 370 में बात नहीं करते, नहीं करो 370 में बीमारी है क्या? 375 और 370 तो सेम है। 375 में तो अगर आप मणिपुर को देखोगे तो मणिपुर में वहां अभी भी पास लेके जाना पड़ता है, कितने दिन के लिए जाओ, कब तक जाओगे, कैसे जाओगे, क्यों जाओगे। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज हो गया देश का आपकी जानकारी के लिए, तो क्लोज होने से पहले किसी ने कहा भाई कोई ऐसा प्रावधान तो रखा ही नहीं, ऐसा प्रोविजन रखा नहीं जिस प्रोविजन से किसी स्टेट को, किसी आइडेंटिटी को, किसी की पहचान को कोई चीज देने को निकाल को, तो उन्होंने वो प्रोविजन रखा 369 में, यू नो बेटर। और कई लोगों को यहाँ पता तक नहीं है, ये बड़े बड़े हैं,
जब 369 बना वो प्रोविजन है कि स्टेटों को कैसे कैसे किसी को टेम्पररी जिसको आप कह रहे हो, ट्रांजिशन कह रहे हो, स्पेशल स्टेटस कह रहे हो, कुछ उसको चीजें देनी है, वो चीजें तय हुई। लेकिन जब वो तय हुई तो 379 के बाद 70 हमें मिला जम्मू कश्मीर को, और जब 370 मिला तो गुजरात और महाराष्ट्र का मेरा मराठवाड़ा, मेरा विदर्भ, मेरा सौराष्ट्र, मेरा कच्छ, मुझे अलग मुझे भी चाहिए। उनको 371 मिली। जब 371 हुई तो आगे स्टेटें आप जानते हो कुर्बान जुड़ती गई। तो हुआ क्या, अगले में उनको कहा भाई 371 को 72 नहीं बनाएंगे, अब 371 ए बनाएंगे, ए से जे तक चलेगी। पहले नागालैंड आई, असम आई, इस तरीके से सब चलता गया। तो आप देखिए उनके तो रीति रिवाज के मुताबिक, हम तो रीति रिवाज के मुताबिक नहीं थी, हमारी इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी। मैं आपके नाले में देना चाहता एक गलतफहमी है, गलती ये थी कि कश्मीर के सो कॉल पार्टीशन जो हमारे बड़े नेता लोग हैं इनका बेड़ा गर्क है। इन्होंने जम्मू में राय रखा, इन्होंने लद्दाख में राय रखा। जो गुस्ताखियां, जो गलतियां जो हुई हैं, जो काम हुए हैं वो काम नहीं होंगे। हर क्या हिस्सा बराबर होगा और किसी के साथ किसी किस्म की चाइकी नहीं होगी, हर को देखा जाएगा। और इस तरीके से चीजें जब हम चलाओगे तो लोग कहेंगे 370 मार बहुत सारे, क्यों नहीं अपने एजेंडे में लिखते हमें 370 को, क्यों नहीं कहते आप लोग हमें 370 को, हमें 370 को। जब स्टेट की बारी आएगी, अगली बारी होगी तो हम तो कहते हैं भाई साहब हम तो जान छोड़ रहे हैं, हम तो रहने नहीं चाहते आपके साथ। जिस तरीके से हमारे हालात बनाए, सारी दुनिया टक्कर से डरती, इसरो से डरती, एजेंसी से डरती, और काफी लोग डरते हैं जिसकी वजह से के लोग सामने नहीं आए, लड़ना भी चाहते नहीं है, कमजोर है हमारा। हम तो रोए बुनते हैं तरी किधर होती है, बात ही नहीं, लड़ना है तुम्हें पीछे हटने की क्या बात, ये समझते नहीं। अगर हम लोगों ने यहाँ जमुगरा के डोगरों ने, ये डोगरा डोगरा वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग डोगरा है, ये कंफ्यूजन भी खत्म है। ये कंफ्यूजन जम्मू में पूरा डाला गया कि भद्र भाई को कहा तू तो डोगरा थोड़ी है, पुरछी को कहा गया तू डोगरा नहीं है, सरदार को कहा डोगरा नहीं है, उसकी वजह से क्या हो गया हम इतने डिवाइड हुए कि हमारे टोटे। लेकिन जब डोगरा सैनफीड की बारी थी तो भद्र भाई भी फौज सैनफीड होता था, किश्तवाड़ी भी होता था, पोगली भी होता था, सिराजी भी होता था, गुजर भी होता था, बगरवाल भी होता था, पठाने भी होता था, पुंछी भी होता था, मीरपुरी भी होता था, तो सारे होते थे ना। फिर जब चला गया अब हम कहेंगे हम वो नहीं है, कश्मीर में हर बंदा रहने वाला कश्मीरी है, कश्मीर की एक आइडेंटिटी है, जम्मू की अपनी आइडेंटिटी है, लद्दाख की अपनी आइडेंटिटी है, अगर विदर्भ की मराठवाड़ा की आइडेंटिटी सेव करने के लिए बोर्ड बने, बोर्ड बने 371 में कि इनकी आइडेंटिटी खत्म ना हो, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता। वही नाट हमारे हम तो कुछ ऐसी मांग नहीं रही, आए हिंद से मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं, हम तो कोई ये नहीं मांग रहे कि कोई हम अपने जम्मू से या किसी और कंट्री से मांग रहे हैं, हमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज जो लिखी गई है वो मांग रहे हैं। वो इन्होंने तो ब्रिज किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिज किया, और जो हमारा प्रिविलेज था जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, ये थोड़ी बात है कि कोई कहेगा कि हमारा ये गलत किया था, गलतियां हमारी हुई थी, गलतियां कोई कॉन्स्टिट्यूशन गलती नहीं थी, वो जो संविधान में हमें चीज दी थी वो उसमें कोई गलती नहीं थी।